Laluji, thank you very much for joining me on Frankly Speaking. Thank you. This is your first interview after you have come out of jail. Yes. And you came out on jail on December 13th. Recently. Almost 2 months. Two months. 2 months हो गए. ये आपका पहला बड़ा इंटरव्यू है. जी जी. तो आप चुप क्यों रहे 2 महीने के लिए? मैं चुप नहीं हैं. हम अपने काम में लगे हुए हैं. पॉलिटिकल काम में लगे हुए हैं. तो ये जो प्रोग्राम है इंटरव्यू है, इट्स कॉल्ड फ्रैंकली स्पीकिंग. ओके. तो आई वांट यू टू बी फ्रैंक टुडे, नॉट डिप्लोमेटिक. क्योंकि कई लोग आजकल कहते हैं कि लालू प्रसाद जी आजकल बहुत डिप्लोमेटिक हो गए हैं. इज नॉट फ्रैंक एनीमोर. इज दिस ट्रू? नहीं, इसमें जो हमने महसूस किया है कि बोलने से, ज्यादा बोलने से अच्छा है चुप रहना. लेकिन चुप रहने का मतलब सो नहीं जाना, अपने काम में लगे रहना. क्योंकि जो जीभ है ना, ये टंग है, टंग ये बुलवा देता है. जो भी बात होती बोलता है आदमी. ऐसे अभी बहुत लोग बोलते हैं. और जब पीठ पीठ जो है, पीठ पिटाने लगता, पिटाई होती पीठ पे, तो जीभ गायब हो जाता. इसलिए ज़्यादा हमने महसूस किया कम बोलना, कम खाना, गम खाना, अपमान सहना. तो इसमें हमने ज़्यादा कोई बकवास वगैरह, आप देखेंगे कि चुपचाप बहुत सारा दूर, मीडिया से भी मैं दूर रहता हूँ और लोगों से मैं दूर रहता हूँ. तो हम अपने काम में लगे हुए हैं और हम वेरी एंड परटर्ब्ड एंड डिस्टर्ब कि जिस राजनीति में हम हैं, ये जो हमारा मुल्क है, भारत है, जो भारत में सभी जाति, सारे पंथ के लोग रहते हैं, ये 47 का जो कैलेंडर है वो दोहराने वाली बात हो रही है. मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूँ, मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ. फोरकास्ट का मतलब कोई ज्योतिषी नहीं. हम जो लक्षण देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं मुल्क का, जिस मुल्क में हम लोग हैं, अंदर से बहुत हार्ट जैसे वीपिंग कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या होने वाला है देश के लिए, देश के लिए, सबके लिए, देश के लिए, देश में हम सब लोग जो बैठे हैं. देश की बात करेंगे पहले, आपकी बात करते हैं. नहीं, हमारी बात उसी में आ जाती है. आप हमारी भी पूछिएगा. नहीं, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ. मुझे लगता है कि आप आज जब मेरे सामने बैठे हुए, लालू जी, ये मेरा आपके साथ 6th इंटरव्यू है. जी हाँ, पिछले कई सालों से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 6 बार आपकी इंटरव्यू हुई, 5 बार कर चुका हूँ, 6th इंटरव्यू. आज मुझे लग रहा है या तो आप बहुत गुस्से में हैं या तो आप बहुत दुखी हैं. इधर यू आर एक्सट्रीमली एंग्री और यू आर एक्सट्रीमली अपसेट. एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज लालू जी, यू आर 29 ईयर्स ओल्ड व्हेन यू बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. And you were 41 or 42 years old when you became a chief minister. You were about 54 years old when you became railway minister. And many people said, and you yourself believed, and you told me in a previous interview that I want to be the prime minister of India. No. But what happened? From being wanting to be the prime minister of India, Laluji, you became prisoner number 3312. इन बिरसा मुंडा जेल. इससे तो आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा अपने आप. देखिए, हमको कोई दुख और तकलीफ नहीं है. मैं जानता हूं कि जिस बिरसा मुंडा जेल में मैं था और जो हमारा फोरकास्ट था या जो हम बोलते थे, आज भी मैं आपको आगे बताऊंगा, हम डिस्करेज नहीं हैं. हम अपने पैरों से, जो हमारा दृढ़ संकल्प है, नो एविडेंस का केस है. एंड देयर इज ए हायरार्की इन द जुडिशियल सिस्टम. यस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैव राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यस, गो टू द एपेक्स कोर्ट. व्हाट हैपेंड टुवर्ड्स मी आई कैन नॉट एक्सप्लेन. द तहलका डॉट कॉम इशू ए मैगजीन थोरली. आई एम नॉट सिटिंग हियर बिफोर यू
to discuss the merit and demerit, if the lower court will be take position of the Supreme Court, then in our country there is no need of High Court and the Supreme Court. No, but that's not the point, Lalit. That is the point. Here is a point. I understand what you're saying about the legal process. I'm not discouraging. I have full faith on the judicial system. Yeah, but look at the impact it has had on your politics. You see, Laluji, I have followed your career. I have followed your statements. You know that when you were chief minister, I was following you as a reporter. When you were railway minister, I followed you as a reporter, and I've interviewed you as railway minister as well. Now, December 2006, you had made one comment where you said that post the fodder scam, I realized I cannot become prime minister of the country, so I wanted to make prime ministers. Did you make that comment? Yeah. That post the fodder scam, after the fodder scam, I realized that I cannot become the prime minister of the country. No. Yes. Bilkul, that comment, who have... I have got the comment speaking to Times of India on Monday bilkul evening. That is the false, concocted and against my character. I cannot... So you did not give up your ambition Prime Minister after the fall? I always expect, I will also become one day Prime Minister. Even now you say that? Why not? How can you say that? I will get the justice. Laluji. I will get justice. I have full faith on a judicial system. But Laluji, you see, you are disqualified as a member of parliament under section 8(3) of the Representation of People's Act. Okay. You will continue to be disqualified for a further period of 6 years after your release. After your release, you will continue to be disqualified for a further period of 6 years after your release. I am asking you today, Laluji, please tell me. Tell me an honest answer. You are 66 years old. 29-year-old Lalu Prasad became member of parliament at the age of 66. Is your political career virtually over, Mr. Lalu Prasad? No, over. Isn't it virtually over? For time being, due to this judgment, yes, I cannot contest election at present. But I have, my appeal is pending before the High Court. Yeah, but you have so many other cases. There are four other cases against you. You have made an appearance in another case in a trial on October 7th. Let me finish, brother. I understand your question. You remember, understand my question? I'm coming to save your time. Yes. Same and similar charges, same evidence. The CBI distribute five cases, five places. Same, similar. You did the Indian Constitution 200, doubled your party. Same, ek murgi ko nau jagah halal nahi kar sakte ho. Humne file kiya hai. Conspiracy. CBI. Conspiracy kiya. Achha, aarop hai. Extension liya. एम दिया सीबीआई जब आपको बचा रही थी, सीबीआई जब केस को डिले कर रही थी, तब तो आप कंप्लेन नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये काम को बचा रही थी, कई सालों से बचा रही थी। पॉलिटिकल क्लाउड, आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स मिस्टर। यू गिव मी एग्जांपल Should I give you the example right now? Yes. Okay, so I'll give you one example and you can give me a counter. In 2004, the Supreme Court had remarked, and I quote, "It seems that the government wants to protect an important person." You remember that? It seems the government wants to protect an important person. In connection with the fodder scam, the Supreme Court had remarked, "It seems the government wants to protect an important person." The Supreme Court bench had also made another damning observation, Laluji, that the government was changing its colors with the change of government. You want me to give you some more examples to prove that you were the beneficiary of a CBI long rope? You got a long rope from the CBI because of your clout, first as chief minister, then as somebody who was part of the United Front government, then when you were with the Congress government between 2004 and 2009, the case got permanently delayed and pushed, and you were the beneficiary of it. How can the same Lalu Prasad today say that the CBI is trying to fix it? Kabhi bhi CBI ne. Devgoda ji ke samay mein, गुजराल के समय में, या कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है,
कहीं भी सीबीआई या वाजपेयी जी का, याद होगा आपको, जो आदमी मिसचीफ किया, जो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया ढंग से, यूएन विश्वास, उसको ये एनडीए वाले बीजेपी वाले गवर्नर बना चुके थे। लालू जी, बात सुनिए लालू जी, मई 20 हमको हमको सीबीआई कहां मदद किया है? 1997 क्वेश्चनिंग द डिले पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग द डिले व्हाई द गवर्नर सैंक्शन वाज सॉट बाय द सीबीआई, द कोर्ट सेड सपोज द गवर्नर डज नॉट डिसाइड विद इन 1 ईयर, शुड द हाई कोर्ट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर? And the court said the sanctioning authorities must decide. बात सुनिए, आपको examples दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, proof करने के लिए आपको the investigating agencies तो आपको बड़ा long rope दे रहे थे। नहीं, गलत है, ये गलत है। एक मुस्लिम जेंटलमैन गवर्नर थे वहाँ पर, और जनरल सिन्हा जो गवर्नर बने आसाम में जाकर, ये जसवंत सिन्हा जी, सेंक्शन वाला मामला, सेंक्शन इज ए मस्ट, सेंक्शन नहीं लिया गया, ये पेंडिंग था, ये ड्यूटी थी गवर्नर का, नहीं कर रहा, केस संबंधित तो नहीं हुए, तो इन लोगों ने हल्ला किया। डिले क्यों हो रहा था? हल्ला किया, डिले क्यों हो रहा था? डिले क्यों किया? गवर्नर को लीगल एडवाइस लेना न लेना, उससे हमको कहा? गवर्नर को किसने अपॉइंट किया? गवर्नर को किसने जो भी अपॉइंट किया, जिसको अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, सेम गवर्नर हमको सेंक्शन दे दिया मेरे खिलाफ में। अब वही जनरल सिन्हा जाके महंता को डायरेक्ट लिया हुआ है पैसा चेक से, इसी विभाग में, उसको सेंक्शन नहीं दिया। सीबीआई हमको कहां मदद किया है, या कोई गवर्नर का हमको मदद किया? लालू जी, ये तो सबको पता है कि यू हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू यूज्ड योर पॉलिटिकल क्लाउड to get the CBI to go slow against you. No. You have no right today to actually question the CBI. No. You have no right. Never. अभी भी हम हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम कितना दिन से गवर्नमेंट में आप है, स्टेट गवर्नमेंट तो रोका नहीं इनके केसेस, जो केस हमने किया है, हमने FIR किया है, हमने डॉक्यूमेंट दिया है, हमने इन्फॉर्म किया है। आपने डिले करने की कोशिश की? नहीं, कैसे? आपने सीबीआई को सैंक्शन दिलवाने में डिले करा? ये गलत, आप लोगों गलत अवधारणा। ट्रायल तक कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग किया है मेरे केस का, उस केस का मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करता रहा। लालू जी, अभी देखिए कैसे डिले करेगा, ये सब केसेस में घिर चुके हैं, आप घिर चुके हैं इन सब केसेस में। हम कहीं घिरते नहीं, हमको निकल के जाना है, हम निर्दोष हैं, हमको इंसाफ मिलेगा। आप कैसे निकल के जाएंगे? टाइम बताएगा? लेट मी आस्क यू, देयर आर फोर अदर केसेस लालू जी, बता दो। नो, लेट मी टेल यू, देयर आर फोर अदर केसेस। अक्टूबर के 7 तारीख को यू मेड एन अपीयरेंस इन अ ट्रायल रिलेटेड टू द फ्रॉडुलेंट विथड्रॉल ऑफ 97 लाख फ्रॉम दियोगर ट्रेजरी, दियोगर वाला जो मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, आपने कहा कि मुझे कॉम्पोजिट ट्रायल करा दीजिए ताकि मेरे सारे केसेस एक साथ निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपका कॉम्पोजिट ट्रायल का केस रिजेक्ट कर दिया। इट रिजेक्टेड योर प्ली फॉर अ कॉम्पोजिट ट्रायल। लेट मी कंप्लीट। सो द पॉइंट इज, लालू प्रसाद जी, सी व्हाई एम आई आस्किंग यू ऑल दीस क्वेश्चंस इज बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू योर पॉलिटिकल करियर। मेनी पीपल हु आर क्लोज टू यू टुडे से दैट लालू प्रसाद political career is finished because he will continue to fight cases for the rest of his life. Lalu Prasad ji, main aapko bata dun, pehle first of fact or not, jo case ki baat jo aap kar rahe hain ji, ki club karne ki baat thi shuru ke dinon mein, alag alag jo cases hain jiska aap zikr kar rahe hain, supreme court ne kaha ki jab tak charge sheet nahi ho jata, case ka trial nahi ho jata, सारी बातें नहीं हो जाती, तब तक इस स्टेज पर नहीं कर सकते क्लबिंग का। अब तो चार सीटेड हो गया, सब गवाही हो गई, सारे केसेस आ गए, आई हैव फाइल अंडर 300 कि डबल जो पाडे कानून है कि एक ही बात पर, सेम सिमिलर चार्जेज पर आप 50 केस खड़ा नहीं कर सकते हैं। एक केस में हमको कन्विक्शन किया। आप इस सब का इंपैक्ट समझ रहे हैं कि नहीं लालू जी? सारे देश में आज करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बन चुका। सारा चीज मैं समझ रहा हूँ, और जो सारी बात को मैं समझता हूँ जी, और जो ईमानदारी और ईमानदार का
तांगमा पहन के बैठे हुए हैं लोग, और हमारे जैसे लोगों को नाहक में हियर से सुनी सुनाई बातों पर, हर आदमी को लिबर्टी हो गई है डेमोक्रेसी में, गाली दे दो, चोर का दो, कौन गाली दे, जो गाली देना जो मन में आता, निगेटिव माइंड वाला जितना लोग है, जिसकी इच्छा है राजनीति में आने का, आज वो राजनीति में आ रहे हैं गाली दे के, पत्रकार आ रहे हैं, आप पार्टी, व्हाट इज आप पार्टी, आप पार्टी क्या है, निगेटिव माइंड, निगेटिव वोट, बाहर में रहना, सरकार से के बाहर रहना और सरकार के अंदर बैठ के राज चलाना आसान काम नहीं है, क्या हालत हो रहा है, हर आदमी चाहता है एक दूसरे को गाली दो, लालू चोर है, हम करप्ट हो गए, बाकी सब ईमानदार बचे हुए हैं। लालू जी देखिए, मैंने आपको क्या, और लालू मैंने क्या कहा, लालू लालू तत्काल लड़े या नहीं लड़े चुनाव कोई फर्क नहीं पड़ता, लालू का खड़ा लड़ेगा, लड़े लालू का खड़ा लड़ेगा, लड़े, लड़े और पराजित करेंगे लोगों, लड़े या नहीं लड़े की बात कहाँ थी, आप तो लड़ बात आई, आप देखिए मैंने कहा था, मैंने इंटरव्यू के बिगिनिंग में ही मैंने कहा था कि आप दुखी भी हैं, आप गुस्सा भी हैं, आपका दुख भी प्रकट हुआ, आपका दुख भी प्रकट हुआ, अभी आपका गुस्सा प्रकट हो रहा है, आपका गुस्सा इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि आप चुनाव ना लड़ सकते हैं, क्योंकि आप कन्विक्टेड है, आप आप लालू जी सुनिए, आप कह रहे हैं आप डिस्क्वालिफाइड हैं, आप छपरा से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप राबड़ी देवी को फिर से इस बार छपरा से लड़वाएंगे, मन ही मन में आपको दुख भी है, आपको गुस्सा भी आपको, है, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड फॉर यू टू डिसगाइज दिस, नहीं नहीं आप बात सुनो, आपका गुस्सा आपको मैंने, am I right or not, का बात नहीं है, आप जो ग्रिल कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी को ग्रिल कर रहे थे, हमको ग्रिल कर रहे हैं बार बार केस में, क्या होगा आप खत्म हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो ये ग्रिल में मैं ग्रिल होने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैंने कहा हियर इज ए जुडिशियल सिस्टम, न्यायपालिका में आज भी हमारी न्यायपालिका जीवित है, हम न्याय पाएंगे वहां पर, तत्काल में तब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आपको भी मान लो कि लोअर कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, सब लोग मान लो कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला किसी को दे दिया, दैट इज द फाइनल। आपने राहुल गांधी की बात की, आपको गुस्सा तो आप मुझ पे कर रहे हैं, मगर आपको गुस्सा तो राहुल गांधी पे है। नहीं, किस बात का गुस्सा, आपको तो बहुत, आप जो सवाल कर रहे थे, आपको आई एम नॉट डिफेंडिंग, आपको गुस्सा तो लालू जी देखिए, आपको बहुत सालों से मैंने फॉलो किया है, सच बताइए मुझे कि आपका गुस्सा राहुल गांधी पे, आपका गुस्सा राहुल गांधी पे है कि नहीं है, किस बात का, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस जो था आपको बचाने के लिए, जो ऑर्डिनेंस आ रही थी कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, ये आप लोगों का भूल है, नहीं नहीं एक मिनट मेरा सवाल आपको करने दीजिए, डेट्स ऐसे हैं लालू जी, सुप्रीम कोर्ट केम आउट विद इट्स वर्डिक्ट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज ऑन व्हिच डेट, ऑन जुलाई 10th, राइट, the UPA cabinet cleared the ordinance in which a cabinet in which you have many friends, by the way, aapke kai sare dost hain, ek minute bhai karne dijiye, sawal karne dijiye, aap aaj itna gussa hai, magar ye na gussa nahi, gussa nahi, main puche dekhiye, aapko liberty hai, aapko bachane ke liye congress ke kai mantri log baith ke unhone socha ki hum lalu prasad ko kaise bachaye, to they came out with an ordinance to protect convicted MPs and MLAs like you, like you, on September 24th, your verdict in this Chaibasa treasury case was supposed to come on September 30th, five days before that, your friends in the cabinet came out with an ordinance to protect you, ye sab aapke liye ho raha tha, to pehla sawal to ye hai,
कि आप अपने आप को अपने पॉलिटिकल क्लाउड को यूज करके अपने कांग्रेस पार्टी के और यूपीए के कॉन्टैक्ट्स को यूज करके अपने आप को 2014 के चुनाव के पहले बचाने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाने की कोशिश क्यों कर रहे थे जब सारे देश का माहौल करप्शन के खिलाफ है? लालू जी, आप सिर्फ अपने यू आर ट्राइंग टू सेव योर पॉलिटिकल स्किन. लेट मी आंसर, लेट मी आंसर. द ऑर्डिनेंस वाज फॉर यू. गिव मी सफिशिएंट आई एम गिविंग यू टाइम टू सो दैट आई आंसर इट प्लीज. आई हैव विदाउट गुस्सा. बिना गुस्सा में मैं आपको बताऊं, जो बात आप बोले कि हमारे खिलाफ आने वाला था वर्डिक्ट, जी मतलब आप लोग को मालूम था पहले? नहीं, वर्डिक्ट आने वाला, लोग को मालूम था वर्डिक्ट आने कि हमको वर्डिक्ट खिलाफ में आने नहीं, वो नहीं, वर्डिक्ट आने वाला था। बात सुनिए, आपको नहीं मालूम होगा, दूसरे लोगों को मालूम नहीं, आप क्या ठीक है, आप जुडिशियरी के खिलाफ पहले बात है, आप सुनिए, आर यू इंप्यूटिंग मोटिव्स टू द जुडिशियरी? नहीं नहीं नहीं, आप लोग का मालूम है ना, कैसे जुडिशियरी बताएगा ना, ये तो पहले ही दे दिया लालू को, फिक्स हो रहा है. अब बात, व्हाट यू मीन फिक्स हो, फॉरगेट इट ना, व्हाई डू, व्हाट यू मीन फिक्स हो, हमको नहीं मालूम था, नोबडी न्यू, वी न्यू द वर्डिक्ट इज कमिंग ऑन September 30th. कुछ मीडिया के लोग तो बिल्कुल, और हमारे ओपोनेंट बता रहे थे सब, बात छोड़िए, ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को समझिए पहले जी. दो बातें आई, मैं बाहर था उस मीटिंग में, मैं था इस मीटिंग में नहीं. किस मीटिंग? एक तो भी बिल था वो इलेक्शन कमीशन वाला जिसमें हम लोग पास किया, बोल रहे हैं उसको हम, दो बिल था ना जो राज्यसभा में भी आया था, ये भी बिल आया था राज्यसभा में, पास हुआ था, एक पास हो गया, क्लियर हो गया कोई कि जेल के अंदर भी अगर कोई है तो चुनाव लड़ सकता है. बुरी बात है. हाँ, बुरी बात है, बाद में हुआ ना फैसला. ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस लाई गई, अगर बिल पास हो जाता, लॉ बन जाती, ये हम अलग बात कर रहे हैं, इसको छोड़िए ना, मैं ऑर्डिनेंस के बारे में हम इसको इसको बोलते हैं ना, फिर कहीं ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस आपको बचाने वाली ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस अलग रखिए, ऑर्डिनेंस अभी रखिए अलग. तो ऑल पार्टीज में ये फैसला हुआ था, जो ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, इसके बाद या किसी पर केस हो जाए तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, दो बातें थी. ऑल पार्टी मीटिंग में ये सब बात तय हुआ था, ये गलत है, ये कानून लाइए, आई बात, अपने आप को बचाइए. कन्विक्टेड एमपीज एमएलए फाइट करते रहे, बड़े बड़े से बड़ा केस निकल जाए, जो बात आई, देश का माहौल कुछ भी हो, लोगों में आक्रोश जो भी हो, लालू जी इससे कैसे बच जाता? इलेक्शन तो फाइट करते रहते, बात सुनिए, इतना दिन से चुनाव नहीं लड़ रहा था, इतना दिन से लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, गलती कर रहे थे, बोलिए गलती कर रहे थे. तो ये जब बात आई सब पार्टी में, सब एग्री, बीजेपी भी एग्री, तो जब बात आई तो एक पास हो गया. और दूसरका वाली जो आप बात कर रहे हैं कि आज टाइम नहीं है, ले मत करिए, दूसरे दिन होगा, और ये कहना सरासर झूठ फ्रेम और हमारे चरित्र पर हमला है. क्या बात कि हमको बचाने के लिए, बिल्कुल आपको बचाने के लिए, बात सुनिए, फिर आप बीच में टोकिए मत, टोक नहीं रहा, बात सुनिए कि ऑर्डिनेंस आने लगा जी, और कैसे हम उसमें बच रहे हैं, कैसे बचते? द यूपीए गवर्नमेंट मंत्रिमंडल ने, हम बोले नहीं उन दिनों में, और लोग आरोप लगाते रहे कि लालू को बचाने के लिए हो रहा, बीजेपी राष्ट्रपति भवन तक परेड किया कि लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, लालू बहुत बड़ा अपराधी है, डीए केस किया, एक पैसा नहीं मिला, फेल टू प्रूव. पैसा अगर अपराध, अगर अपराध आपने किया तो मनी आरोप था, सुप्रीम कोर्ट से हार के गए हो. तो ये बात आई तो उसमें आप कुछ कह रहे, कह के रुक गए, कह के रुक गए, आपने कहा कि कई कांग्रेस के लोग, कई मंत्री थे, आप कुछ कह के रुक गए, फिर आप बीजेपी के बारे में बोलने लगे, आप कह रहे थे कि कांग्रेस के नहीं, अभी कांग्रेस के कई मंत्री भी आपको कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए? कुछ नहीं कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कुछ लोग थे कि भाई हम पर लाद रहे थे बातें, आरोप, हार जाएंगे चारों असेंबली हम लोग,
या क्या हुआ, हम नहीं जानते, हम नजदीक से नहीं देखा। लेकिन ऑर्डिनेंस में ये क्या था, जीरो। इसमें था कि फर्स्ट अपील अगर कोई कन्विक्ट है तो फर्स्ट अपील जो हाई कोर्ट में जाएगा जेल के बाद, तो फर्स्ट अपील तक उसको यह रिलीफ दिया जाए कि अगर सेंटेंस इक्वल कर दे या स्टे कर दे तो उसकी मेमोरी रह सकती है, मेमोरी, कन्विक्शन की बात नहीं, मेमोरी रह सकती है, माइनस स्टेच्यू के तरह हाउस में बैठा रहेगा, मूर्ति के तरह, बाकी कूद फान करके लोग मर्ची छींटता रहेगा, मिर्चा आई जाएगा तो स्टेच्यू रहेगा, गुड़िया, बोलना नहीं है, तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, तो किस बात का मदद था भाई, गलत है। क्या गलत है? ये गलत है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मेरे लिए नहीं था, बिल्कुल सही है, ये मेरे लिए नहीं था गलत, ये बिल्कुल आपके लिए था, नहीं नहीं ये बिल्कुल आपके लिए, नहीं नहीं अब आपकी बात मैं सुन चुका हूँ, मेरी बात बता दिया आपको, बिल्कुल गलत, मेरी बिल्कुल गलत की कांग्रेस पार्टी ने हमारी मदद के लिए किया था। कांग्रेस पार्टी आपको बचाने की कोशिश कर रही है, नहीं कैबिनेट गलत है, जिनके राज्यसभा के टर्म भी आपके टाइम पे ही शुरू हुए, लालू जी इनका कई लोग हैं आपके साथ संबंधी है, कई कांग्रेस वर्क एमपीज हैं आपके साथ काम कर चुके, कई मिनिस्टर्स हैं जो आपके साथ काम कर चुके, लालू जी आपको पता है कि किस चीज के लिए ये जो सारा जो ऑर्डिनेंस था, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, मेरी बात आप सुनिए दो, मैं तो जानता हूँ लालू जी, मेरी ये तो एकदम बच्चा को किसी को झुनझुना देने के बाद हम कन्विक्ट हो गए या हो जाते उस समय, तो फिर ये हमारा कन्विक्शन कैसे बचता। अच्छा देखिए अभी आप मेरी बात सुनिए, आप पढ़ा दो ना ऑर्डिनेंस में, यू कन्विक्टेड नहीं रहेगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग इफ यू लिसन नाउ लालू जी, नाउ यू लिसन टू मी प्लीज, बताइए, ऑन द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू योरसेल्फ एडमिटेड कि दिस हैड नॉट गॉन थ्रू द पार्लियामेंट, ठीक है, यू सेड इट वेंट थ्रू द राज्यसभा इन सम फॉर्म, इट हैड नॉट गॉन थ्रू पार्लियामेंट, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द क्राइंग नीड, वन मिनट, व्हाट वाज द क्राइंग नीड, देश में इतना हाहाकार क्या हो रहा था कि उसी दिन को आपके वर्डिक्ट के 5 दिन पहले इसको एक डेस्परेट मूव इन अ स्टेट ऑफ पैनिक एंड ऑलमोस्ट हिस्टीरिया द गवर्नमेंट हैज टू पुश दिस थ्रू एन ऑर्डिनेंस, एवरी पर्सन विल से नोबडी विल बिलीव यू टुडे लालू जी, नोबडी विल बिलीव यू से व्हेन यू से इट वाज नॉट लिंक्ड टू माय वर्डिक्ट, वन थिंग द इंफॉर्मेशन आई हैव इज दैट यू वर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, कि आप डर चुके थे, मेरी बात सुन लीजिए, आप डर चुके थे, देखो ना लालू जी इसके पहले कि मेरी बात सुन लीजिए, आप बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोले कि आप डर चुके थे, आपको कैसे डर चुके थे, किस चीज से, वर्डिक्ट क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा मेरे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ चुका है, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए मैं सारे अपनी जितनी पॉलिटिकल क्लाउट है मैं उसको यूज करके किसी तरह से ऑर्डिनेंस पास करा दूं तो फिर मैं निकल जाऊंगा, पहली बात ये, कैसे निकल जाएगा क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के कारण, कैसे निकल जाएगा, हाई कोर्ट 60 दिन के बाद, आप नहीं हाई उस ऑर्डिनेंस पढ़िए, आप मुझे लगता हाई कोर्ट में, मुझे लगता है आपने ऑर्डिनेंस पढ़ी नहीं है, हाँ पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े, हाँ पढ़िए आप, नहीं पढ़े, आप पढ़िए, अब ये ऑर्डिनेंस में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट दिस ऑर्डिनेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस 2013 अलाउज कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज टू कंटिन्यू इन ऑफिस if their appeal is admitted to a higher court within 90 days, one minute, and the conviction is stayed, right? वो करेगा तब. एक मिनट सुन लीजिए. But they will not be entitled to vote during house proceedings or draw salaries and allowances till the case is finally decided. Now I'll tell you. तो बता दिया. ना लालू जी. यही बात मैं बता रहा हूँ आपको. ना लालू जी. नहीं इसमें हमको relief क्या है? Relief तो है. आप ना हमको क्या relief होता? You will continue in office. You will continue to fight an next. For what? No. You after पढ़िए उसको पढ़िए, अगर स्टे करेगा सेंटेंस स्टे करेगा या इक्विटल करेगा तब, लालू जी इफ यू विल कंटिन्यू इन ऑफिस एंड यू विल फाइट एन इलेक्शन, नहीं नहीं वेयर इज दैट, आप आफ्टर यू हैव नॉट रेड द ऑर्डिनेंस, आपको मुझे पढ़ना है, यू रीड इट अगेन, आई विल रीड इट, पीपल ऑफ कंट्री इज वाचिंग, आई एम पीपल ऑफ बताओ, पीपल ऑफ कंट्री आर वाचिंग यू, नहीं वाची आप पढ़िए ना, ओके सो लेट्स रीड दिस पार्ट टुगेदर, आप लेट्स रीड द पार्ट टुगेदर, लालू जी देखिए यू, आई विल रीड द ऑर्डिनेंस फॉर यू, अरे भाई बात नो नो ना हमको बताइए ना कि अगर हाई कोर्ट 90 दिन के बाद स्टे नहीं करेगा सेंटेंस को, एडमिट एंड स्टे
तब तो कैसे रहेगा मैम? लालू जी आप मेरी बात सुनिए प्लीज, नाउ यू लिसन टू मी कामली। मुझे लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, उतने पढ़िए ना, नहीं। और आप चीज को, हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, तो आप ही पढ़िए ना पहले, तो पहले पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ने दीजिए, आप आइए, लेट अस रीड इट टुगेदर, ना आई यू पढ़िए, यू पढ़िए, यू ट्रस्ट मी टू रीड इट फॉर यू, राइट? हमारा पहले सुन लीजिए, पहले एक मिनट ना, फिर पढ़ के आपको झूठा साबित कर, लालू जी इफ दिस ऑर्डिनेंस हैड गॉन थ्रू, डोंट फूल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इफ दिस ऑर्डिनेंस हैड गॉन थ्रू, पहले मुझे यू वुड हैव कंटिन्यू, मैं जो समझा नहीं, मैं जो समझा हूं उसका पहले सुन लीजिए, आप पहले मेरे, तब हमको गलत समझ, लालू जी मेरी बात आप सुनिए, द गवर्नमेंट पासेस एन ऑर्डिनेंस व्हिच ब्रॉडली स्टिक्स टू द ओल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बट मेक्स वन की चेंज टू सेक्शन 84। नाउ यू लिसन टू मी लालू जी, एंड आई नो वन थिंग अबाउट यू, यू आर अ मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, यू नो एवरीथिंग, ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस, but you are a master in politics and you are quite an expert in law, you understand everything. I'm not dishonest, you understand everything, ha bata diya aapko, you know everything Laluji, but when the thing with you is Laluji, you are pretending you don't know, you are pretending today in this interview that you don't know this particular aspect of the law. I will read it out for you now. Let me read it out for you because you've challenged me Laluji onto the law. My question is, the one change it made was that instead of giving a 90-day window for an appeal, the new ordinance says a disqualification under any of the said subsections shall not, in the case of a person who on the date of conviction is a member of parliament or the legislator of a state, take effect. If an appeal or application for revision is filed with respect of the conviction and sentence within a period of 90 days from the date of the conviction, and that conviction is stayed by the court. So fundamental point is very, fundamental point is very simple. If this ordinance had gone through, then Lalu Prasad would be allowed to continue in office if Lalu Prasad's appeal was admitted in a higher court within 90 days and the conviction was stayed. Only thing, you would not be entitled to vote and you won't get a salary. You don't need an MP salary to survive. So, Laluji, in other words, broad picture, as they say in Hindi, mota moti baat ye hai, ki aapki political career affect nahi hoti. Your political career would not be affected by whatever the verdict of that lower court would be. You would fight the elections from Chhapra yourself. You would be in the Lok Sabha yesterday, Laluji, when that debate was on. And that is the impact this had on your political career. Laluji, please don't fool the people of this country. Sorry. This ordinance would have helped you. And that's why you are unhappy. बिल्कुल लालू प्रसाद के लिए ऑर्डिनेंस नहीं है. सुनिए, आपका प्रूफ कोई, यू आर नॉट जस्टिस, हम लॉ के विद्यार्थी एडवोकेट हम भी हैं जी, हम जानते हैं, सीधी बात लिखी हुई है, लालू के लिए नहीं, एनी मेंबर अगर लोअर कोर्ट से कन्विक्ट होता है तो 90 डे जो अपील का टाइम है, 90 डे अगर वो अपील करता है तो हायर कोर्ट में, बात सुने, जो कानून की जो व्यवस्था है, ना आप बनाए हो ना हम बनाए, अगर वो 90 डे तक अपने अपील को करता है और हाई कोर्ट एडमिट करता है सेंटेंस को स्टे कर देता है, तो वो मेंबर यानी कंटिन्यू कर सकता है, सुनिए पहले, सुन रहा हूँ कंटिन्यू कर सकता है लेकिन ये माइनस क्या सैलरी नहीं मिलेगी, वोट नहीं कर पाएंगे, उसकी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अहमियत नहीं है भाई, बताए तो हाई कोर्ट स्टे करेगा तब जी, इक्विटल कर देगा तब, ये कैसे मान लिया गया कि लालू को बचाने के लिए हुआ, कि 5 दिन पहले हुआ, आपके वर्डिक्ट के 5 दिन पहले हुआ, 5 दिन, और राहुल गांधी ने खुद कहा, एक मिनट आप ये बात सुन लीजिए, राहुल गांधी ने खुद क्या कहा जब उन्होंने ऑर्डिनेंस को रबिश किया, उन्होंने मान लिया कि ये सब जो होता है ये पॉलिटिक्स के कारण होता है, हम ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, से सब पार्टीज करती हैं, वी मेक दीज कॉम्प्रोमाइजेस फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, क्या आपने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी? नहीं, राहुल गांधी जी के विषय में क्या बोले नहीं बोले,
हम कोई कमेंट्री नहीं करना चाहते. क्यों आप हमने नहीं सुना? नहीं हमने नहीं सुना. क्यों नहीं सुने? ना हम सुना ही नहीं हो सकता आपने. हर बात सुनना कोई जरूरी नहीं होता. आपने बिल्कुल सुना. जितना अब आपका जितना सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वाच करते हैं कौन क्या बयान दिया वो काम हम लोग का नहीं है. आपने राहुल गांधी ने आपके ऑर्डिनेंस के बारे में जो कहा जब बोला कि इस ऑर्डिनेंस को उठा के फाड़ के डस्टबिन में वो तो देखा देखा कि नॉनसेंस इज वो फेंको. आपने सुना तो आपने लालू से कैसे जोड़ दिया? बिकॉज वो आपके बारे में नहीं दिस इज बैड गलत है. इट्स एब्सोल्युटली नहीं नहीं ये प्रिजम्पशन सारे लोगों का अभी जात वर्ग का और मीडिया का ये तो बहुत गंदा बात है. लालू जी लालू यादव के ऊपर अगर राहुल गांधी वहां पे आके नहीं कहते कि इस ऑर्डिनेंस फाड़ दीजिए और इसको तो हमको क्या रिलीफ मिल जाता? तो आप आज आप कल आप आज इस वक्त संसद के सदस्य होते कैसे होते? इस वक्त पुराना होते पुराना ही जो इलेक्टेड ठहराते हमारा हाई कोर्ट में हमारा सेंटेंस. आप इलेक्शन फाइट करते कन्विक्शन जब हो गया करते तो हमको जाना ही था ना. तो आप करते ना. अरे भाई आप रहते तो बात तो यह है लालू जी कोर्ट करता तब ना. मुझे तो एक ही बात समझ कोर्ट एडमिट करता तब ना बैठते कोर्ट. मगर अभी तो वो भी नहीं हो सकता है ना लालू जी. नहीं होता बाहर में तो आप बिल्कुल मजबूती से आएंगे. यू मस्ट बी वेरी मजबूती से आएंगे. यू मस्ट आप सबका जवाब देंगे. यू मस्ट बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड लालू जी. नो आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड. ऑफ कोर्स यू आर फ्रस्ट्रेटेड. नहीं हमारे मन में जो आप जो फील कर रहे हैं 30 जरूर है. ये 30 मतलब है कि लोग अभी तक चंद लोग बातों को नहीं समझ पा रहे हैं. अरे लालू यादव चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? लालू यादव ही है क्या सब कुछ पार्टी? हमारा अखाड़ा हमारे लोग लड़ेंगे. लड़ने का टाइम आ गया. अखाड़ा क्या? अखाड़ा जो पहलवानों का अखाड़ा होता. आपकी तो फैमिली डायनेस्टी है. हाँ तो रहेगी. राबड़ी देवी क्यों नहीं रहेगी? तेजस्वी है. अगर हम है प्रताप नहीं एक हम है तो आप एक बोलो. बाकी नहीं है. बाकी लीडर का नहीं है. दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी टू डैमेज मी. मतलब हमारा कोई बेटा या बेटी आ गया राबड़ी देवी आ गई तो डायनेस्टी हो गई. बिल्कुल डायनेस्टी. बाकी किसी फैमिली में है ही नहीं. उनकी भी डायनेस्टी से आपकी भी है. हाउ आर यू डिफरेंट? तो आप लोग तो मीडिया के लोग आप तो मीडिया के लोग यही देख के ना घुस रहे हो. आप पार्टी में गया ना एक लड़का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उसको पता लग जाएगा. मैं क्या पॉलिटिक्स में घुस रहा हूँ लालू जी? जो आप अरे आपको आप पॉलिटिक्स में ही घुस रहे हैं. सारे पॉलिटिशियन को आप ग्रिल करते हो आगे. तो मैं तो जर्नलिस्ट का काम करता हूँ. जर्नलिस्ट का काम आपका आप व्यू इम्पोज करते हो न्यूज नहीं. बिल्कुल that you don't believe that line. I understand. Shall I tell you what my fair rana chahiye? Should I tell you what my view is? Should I tell you what my view is, Laluji? This is my sixth interview with you. Should I tell you what my view is today? You are sitting in front of me. I'll tell you my view. Bolo. My view is that, and you let me complete, Laluji, is that you're very frustrated because you are very angry at Rahul Gandhi. But you cannot. You let me complete. Now. You're angry at Rahul Gandhi for two reasons. अब आपको आप अपना केस मत बनाइए. हम राहुल गांधी पर या किसी पर हमारी कोई नाराजगी नहीं है. जो करेगा हम कर लेंगे. गलती करेंगे हम भोगेंगे. ठीक है आप सुन लीजिए. मतलब नहीं why you so defensive? Why इसलिए? Why are you defensive? नहीं नहीं defensive बात नहीं. आप जो इंटरव्यू ले रहे हो अब मैं बोल रहा हूँ कि हमको कोई शिकायतें नहीं है किसी से. हमको कोई शिकायत नहीं. लेकिन कोई आदमी सोचेगा लालू यादव और नवराव को बयान दिया. आप ग्रिल कर रहे थे राहुल गांधी को. हम लोग को अच्छा थोड़ी लगा. आप नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाना चाहते थे. कांग्रेस पार्टी को आप माफी मंगाना क्या के लिए कंपेयर कर रहे थे राहुल गांधी को? हम देख नहीं रहे थे क्या? नहीं बताइए आप आपको इतना संजीदा पत्रकार हम लोग मानते हैं. आप पूछ रहे हैं कि SIT बोल दिया कोर्ट बोल दिया अब कांग्रेस पार्टी माफी मांगे नरेंद्र मोदी से.
आपका फेवरेट सब्जेक्ट नरेंद्र मोदी बेबे, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम कमिंग टू नरेंद्र मोदी. नहीं नहीं मैं क्यों, नहीं आई एम कमिंग टू नरेंद्र मोदी इन अ मिनट. मैं राहुल गांधी से पूछ रहा था नहीं, आप बार व्हाट इज योर व्यू ऑन नरेंद्र मोदी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एनीवे यू आर क्वेरी यू सी यू आर आल्सो एन एक्सपर्ट एट चेंजिंग द सब्जेक्ट बट यू आल्सो नो वन थिंग राहुल लालू जी इज माय सिक्स्थ इंटरव्यू विद यू. यू नो आई एम आल्सो एन एक्सपर्ट. पहले इस पर बात करो ना, पहले इस पर आई विल टेल यू माय आप जो राहुल गांधी को यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद राहुल गांधी फॉर टू रीजंस. अरे हम नहीं फर्स्ट The first reason is interrupt. Hey, I believe I have full faith on Madam Sonia ji and his family. हम लोगों के साथ हम उस परिवार में रहे. You don't have a choice. हाँ बात सुन. You don't have a choice. फिर ये गलत फहमी है. Now नहीं नहीं आपकी गलत फहमी है. पहले आप इसका जवाब दीजिए. मैं आपको जवाब नहीं आप इसका जवाब दो कि आप राहुल गांधी को ग्रिल करके ला रहे थे. नंबर वन वो कुछ बोलना चाहते आप बोल रहे हो माफी मांगो कि नहीं. Why you are so lenient with this Narendra Modi? Or no, bhai? Lalu ji. Kya hai Narendra Modi? Nahi, baat sunye. Aap pooch rahe ho, maafi. Okay, now have you finished? Bahut saare log innocent log jail mein hai. Aur dusri baar hai. Bahut desh mein jo innocent hai jail mein aur dusri baar. आप पूछ रहे थे उसके क्लियर हो गया. ओके नाउ यू कम बैक. नहीं पहले बात सुनो. नाउ यू कम बैक. आपको मौका है. नाउ यू कम बैक. नाउ यू कम बैक टू द सब्जेक्ट. आई विल टेल यू व्हाई नाउ. लालू जी आप यू लिसन. नहीं इसको यू लिसन टू मी लालू जी. यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद राहुल गांधी फॉर टू रीजंस. नो रीजन नंबर 1 लिसन टू मी देन यू कैन डिसएग्री विदाउट लिसनिंग टू द रीजन. फर्स्ट ही इज द पर्सन बिकॉज़ ऑफ होम यू कैन नॉट फाइट एन इलेक्शन. ही इज द पर्सन हु विल एंश्योर दैट यू आर आउट ऑफ पार्लियामेंट. ही इज द पर्सन बिकॉज़ ऑफ होम बिकॉज़ हिज decision on the ordinance has put your political career at stake. Question number 2. Ordinance mere liye nahi tha. Ye sach nahi hai. Reason number 2. You are upset with Rahul Gandhi during that interview because in that interview he refused to acknowledge your name. He refused to accept. No. Allow me to complete. Allow me to complete. Your question I was. Allow me to. I was watching your question. I'll tell you. And very clearly he answered you. No, he didn't. Please. Lalu ji answered me very clearly that I am not. राहुल गांधी रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज अ पॉलिटिकल अलायंस विद यू. ही नोज दैट टुडे यू आर कन्विक्टेड इन एन एक्ट ऑफ करप्शन. देयरफॉर ही नोज दैट इफ ही सेज आई एम गोइंग टू डू अ ट्रायल विद लालू प्रसाद आई नो इट विल इंपैक्ट हिम. आई नो दैट्स व्हाई दैट्स द सेकंड रीजन यू आर फ्रस्ट्रेटेड. बात सुनिए. दैट्स द सेकंड रीजन यू आर फ्रस्ट्रेटेड. आई नो कि Narendra Modi and his man and some high people are very, very interested to at any cost the tie up with the Lalu and Congress party nahi ho. Aisa aisa question bolo, aisa aisa baat bolo, aisi aisi baat bolo ki log bhadke. Ye koshish ho rahi hai. Aap jo itna interested the नरेंद्र मोदी के मामले में कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगा कि नहीं, आप वो नहीं देना चाहते थे या आप काहे के लिए होगा इंटरव्यू राहुल गांधी का. तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके उस क्वेश्चन का जवाब. मैंने ये कहा था कि अगर हम होते तो अर्णव भाई को लालू जी अभी देखिए आप देखिए आप स्पीच मोड में आ गए. एक मिनट आपने एक ये भी सुना तो खत्म कर दे. आप तो स्पीच दे रहे हैं अभी. आप मेरी बात सुनिए. अभी आप मेरी सुनिए ना. अभी आपकी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आई विल प्रूव टू यू दैट द सेम कांग्रेस पार्टी हु यू आर डेस्परेट टू टाई अप विद यू हैव अक्यूज्ड देम ऑफ डूइंग समथिंग लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद इन 1992. You have refused to do any alliance with the Congress party last time. In the 2009 elections, let me complete. In the 2009 elections, you have said ki inki to haisiyat nahi hai ki main inko 3 seat de do. Isse zyada seat main unko kyun do. Sab galat hai. Aapne ye bhi kaha jo galat hai wo sach hai wo bola jayega usko galat nahi kaha. Baat suniye pehle. Aapne ye bhi kaha Lalu ji. Ye bilkul Lalu ji kya aapne ye kaha ki nahi kaha. Aapki court hai aap dekh lijiye. Idhar aaiye. Idhar court liye kya laaye hum. Hamara hai आप इधर देखिए क्या पढ़ा है. इधर देखिए. दिस इज द कोट. आई ट्रीटेड सोनिया गांधी एज द ब्राइड ऑफ द कंट्री. क्या
as the bride of the country. Let me tell you, this is your comment in the run-up to the 2010 state elections in Bihar. Don't interrupt me. If you interrupt me, that means you're not letting me speak. Let me speak. आप क्या in the 2010 आप फिर अभी लालू जी आप क्या लिख के लाए हैं लालू जी सब के ये हम ये डस्टबिन में फेंकने वाली बात आप लाए हैं लालू जी पहले हमारा सुनिए I have proven two things to you right now. छोड़े छोड़े बात तो ये है अरे आप पहले you are very junior to me. आप बहुत बाद में स्टार्ट किया है उससे करियर आप बात सुनो आपकी आप सुनिए लालू जी मैंने ये भी कहा जब सारे लोग हमले कर रहे थे अगर ये गलत है जो आप लाए हो मैंने ये कहा जो लोग बाल छिलवा रहे थे यहाँ के लीडर कि सोनिया गांधी अगर बनेगी तो बाल छिलवा लूंगी जब हमले हो रहे थे तो मैंने कहा कि सोनिया गांधी भारत की बहू है आपने ये कहा बात सुनिए यहाँ आइए दूसरा आप बोल रहे हैं दूसरी बात आपने नहीं की एक बात कह के आप दूसरी बात कैसे भूल जाते हैं क्या कैसे भूल जाते हैं आप मेरी बात बोलिए क्योंकि आपने दूसरी बात बताइए ना कौन बात सुन तो लीजिए लालू जी आपने ये कहा आज वही लोग सितंबर 15 तारीख को 2010 की बात कर रहा हूं मैं लालू जी आपने ये कहा कि वही लोग are bent on wiping me off from the political scene. No. Why? Oh, yes. I mean, it's very interesting, Laluji, that today you will deny everything. Now, there's one more thing. Just listen to me. One more thing, which I will quote what you're saying. You said, April 2009, the Congress party, which was in power at the center, failed to protect the Babri Masjid as it did nothing yes. as it did nothing to prevent it one minute now let me complete so then you see Laluji every quote of yours which I'm quoting is correct everything I'm quoting of yours is correct but you are trying to stop me from quoting what you said because today you are desperate to do an alliance with the Congress party aap jo laayo padh jao you आप पढ़ जाओ सुना मैं आपको अपने बारे में आपने जो कहा वो पढ़ रहा हूँ आप हम बोले ही नहीं हैं नॉट ओनली द बीजेपी द कांग्रेस पार्टी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या लाओ कागज दिखाओ लालू टाइप कर लेना ऑफिस लालू प्रसाद अप्रैल 2009 लाओ ना पेपर लाओ ना रे कार्ड टू डिनाई व्हाट नहीं आओ ना रे कार्ड बात सुनिए पहले यू आर गोइंग टू डिनाई व्हाट यू सेड ये नहीं बात हम क्यों बोलेंगे दिस इज इन दिस नहीं बीजेपी आरएसएस बजरंग दल ये समूचा जाकर तोड़ा आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा दरभंगा में मनगची में इलेक्शन मीटिंग हो रही थी वहां पे आपने बोला और एक बात बोला बोलो क्या बोला आपने बोला इफ एनीवन कंटिन्यूज टू टॉक नॉनसेंस आई विल रिवील मोर यानी कि आपने कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गलत आपने कांग्रेस पार्टी सब ये चुनाव के पहले भारी कंस्पिरेसी है कमल फोर्सेस के द्वारा कि जो ताकत नरेंद्र मोदी को रोकेगा उसको ऐसी बात करो बाबरी मस्जिद के मामले में सुनिए अगर आप होंगे तो राष्ट्रीय एकता परिषद का मेरा सवाल क्या है आप मेरी सवाल अब मैं वो एक सवाल तो पूछ लूं मैं नहीं आप पूछ चुके नहीं मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपको आंसर देने दो भाई लालू जी एक सवाल सवाल ये है मेरा 2009 में आप उसी कांग्रेस पार्टी को कुचलने वाले थे उसी कांग्रेस पार्टी को 2009 में आपने इलेक्शन अलायंस नहीं की उसी कांग्रेस पार्टी को आपने कहा कि आपकी हैसियत नहीं है उसी कांग्रेस पार्टी को कहा कि वो बाबरी मस्जिद के लिए रिस्पॉन्सिबल है सुनिए उसी कांग्रेस आप पांच बार बोले एक एक हमको उसी कांग्रेस पार्टी को आपने कहा कि वो आपको पॉलिटिकल सीन से वाइप आउट करने की अभी बात सुनो ना आप जो टाइप के साथ जुड़ चुके हैं आप टाइप करके जो लाए हैं लालू जी आप बात सुनिए धैर्य रखिए मतलब इधर से उधर मत भागिए आप स्थिर हो जाए तो बिल्कुल नहीं इससे अरे पॉइंटेड बाय राष्ट्रीय एकता परिषद का मैं भी मेंबर था मुख्यमंत्री था बाबरी मस्जिद के सवालों पर जो बात आई थी नरसिंहा राव साहब थे प्राइम मिनिस्टर उस समय में याद होगा अगर बहुत जागरूक आप रहे होंगे तो जी और लाल कृष्ण अडवाणी जी आज भी हैं जाके पूछिएगा पूरा चार्ज हम लोगों ने किया था और चार्ज किया था मोदी जी ने कहा था ये अडवाणी जी ने कि हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे बाबरी मस्जिद पर सरकार फिर मैं बोलता हूँ पी वी नरसिंह राव साहब अगर इनके झांसे में नहीं आए होते और पूरी कड़ाई लोग नहीं किए होंगे पी वी नरसिंह राव ये तकलीफ हम लोगों को
तो ये ब्लेम इट एवरीथिंग ऑन नर्सिंग होम, ये पीएम थे, ये रिकॉर्ड की बात है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो गवर्नमेंट में थे। पीवी नरसिंह राव किस पार्टी के? गवर्नमेंट में थे ना। किस पार्टी में? पीएम की ड्यूटी अलग होती है ना। मनमोहन सिंह आज किस पार्टी में? मनमोहन सिंह कांग्रेस में है। मनमोहन सिंह कुछ ऐसा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सीधा बाबरी मस्जिद को जिम्मेदारी नहीं होगी। आप मेरे हम विश्वास में हम आप कांग्रेस पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बचाने का सवाल नहीं। हम फासिस्ट एंड कम्युनल फोर्सेस को जो यहाँ वादा किया कि कोई नुकसान नहीं होने देंगे, पीएम को कहा, पार्टी को कहा, सब मिनिस्टर को कहा, आज जाके तोड़ दिया। आप बोल रहे थे माफी मांगो, राहुल गांधी को कंपेल उस दिन आप कर रहे थे कि आप माफी मांगो। समझौता नहीं समझौता वो अलग बात है, इतिहास को समझो। आप पूछ रहे थे अगर कि दोषी अग्रे कैसे दोषी थे नरेंद्र मोदी? आज अमेरिका ने क्या वीसा दिया, पासपोर्ट दिया नरेंद्र मोदी को, जिसे माफी मांगने के लिए आप बोल रहे थे? ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म ही कोई चीज होता है, हम लोग राष्ट्रपति शासन का कांग्रेस सहित सब हम लोग मांग कर रहे थे, इसको डिसमिस करो। हजारों हजार कहां से चला गया, ऊपर से आ गया, भूत जाकर मदद किया आपके लिए। बहुत कन्वीनियंट है आपके लिए। कन्वीनियंट का क्या बात है? मेरे मैच बहुत कन्वीनियंट है आपके लिए कि आप जब भी मैं कोई मामला उठाता हूं करप्शन को लेके, आप कम्युनलिज्म उठा देते हैं। नहीं, करप्शन की बात करो ना, एक देश में जो करप्शन की जो बात करते हैं उनका साफ है चेहरा, हम लोग करप्ट हैं। आप कन्विक्टेड हैं। कन्विक्टेड हैं, हमको न्याय मिलेगा? आप करप्शन के केस में कन्विक्टेड? हाँ, हम मानते हैं करप्शन के केस में। एक पैसा नहीं मिला, दिए केस आपने तो आप लिया ना, हम क्या, आप कोर्ट से निकालो, सुप्रीम कोर्ट से हार के गई है सीबीआई, वेयर इज द मनी? आर यू क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द कोर्ट? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जीत गया है। लालू जी फेथ है हमारा। लालू जी देखिए, एक सवाल ये, न्याय मिलेगा? एक सवाल ये, मेरी बात सुनिए, आप मुख्यमंत्री जब बने, आप 42 इयर्स के थे, मैंने कहा बहुत उम्मीदें थी आपसे, बहुत उम्मीदें थी। अब लोगों का आप पे सिर्फ एक बहुत बड़ा सवाल है कि लालू प्रसाद जी, ठीक है सेक्युलरिज्म कॉम्युनलिज्म इसकी बात छोड़िए, ठीक है अलग रखिए, मगर आज जो देश में माहौल है स्कैम के बाद स्कैम, ओरिजिनल स्कैम, और सब स्कैम हम कर दिया नहीं। आप भी तो स्कैम में आप कन्विक्ट, गलत है, हम पर चालू लागू नहीं होता। तो कलमाड़ी भी कहते हैं नहीं, आप निकालो कागज निकालो। राजा भी कहते हैं नहीं, नहीं लिखतंग के सामने बकतंग है, काम करेगा, बकवास है जो लिखा हुआ है हमको, हम, इसीलिए ना हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से धड़ाक से न्याय मिलेगा, हमको हमारे पक्ष में। Have you become a symbol of corruption? हर आदमी No. Have you become? नहीं नहीं, हर आदमी, जो आदमी आ जाता है सजा होता है तो लोग समझता है यही था, बाकी सब साधु बैठे हुए हैं। अरे हम निर्दोष हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमारी जनता, हमारे लोग, हमारी जनता सारा जानता कि निर्दोष है। कैसे फंसाया गया, कैसे बीजेपी फंसाया, कैसे फिक्स किया। So, were you shocked when you went to jail? Please tell me, on that day when you were going into jail, मुझे लगा पिक्चर्स देख के कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे, आपके सपोर्टर्स नहीं बिलीव कर पा रहे थे एक मिनट कि लालू प्रसाद जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे वो बिरसा मुंडा जेल में कोई जानता है और ना भाई कोई जानता है, तो मजा ना आप लोग लिया, बाकी कैदियों की तो चिंता आपने नहीं की, आप लोगों ने मजा लिया ये बोल के कह के अभी भी लालू यादव कैदी नंबर इतना, ये जितना मिसचीफ किया आप मजा लिया या मजा लेते हैं, ये आज आपका मजा लेने की बात, ये आपका दोष नहीं है, हजारों वर्षों से हमारे बाप दादों के साथ यही व्यवहार होते आया है। इसमें मजा लेने की बात क्या है, करप्शन केस पे? अरे करप्शन, अरे गए थे हम, निर्दोष हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे कई दिन हमारे इनको काम मिला है फलाना, क्या मजा ले रहे थे?
कितने जाएंगे लोग जो बकधोन कर रहे हैं कि कल को किसी तरह हम निर्दोष, आपके मन में क्या था आपने? हम निर्दोष हैं, हमको कोई अचरज नहीं है, जस्टिस हमको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हमको न्याय, और एक से एक न्यायाधीश, एक से एक इंसाफी लोग, और सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। जब आप अंदर जा रहे थे, क्या आप सोच रहे थे, एक मिनट, क्या आप ये सोच रहे थे कि देश बदल चुका है? जो जिस लालू प्रसाद ने 20 साल पहले या 15 साल पहले ये सोचा था कि सिस्टम को मैनिपुलेट करके हम निकल जाएंगे, आज लालू प्रसाद को अंदर जाना पड़ रहा है, क्या आपको लगा? फिर क्या आपको लगा लालू जी कि देश बदल रहा देखो, है, माहौल बदल देखो, रहा है? हम जानते, आप बात सुनिए, हम सारा डॉक्यूमेंट, सारा कागज, सारा बात सीबीआई के उठा लो, गवाही अगर याद होगा, शायद आपको भी हम लोग कागज भेजवा रहे थे, ये सीबीआई क्या बोलती है उसकी गवाह, खाली यही दिखा दो तुम, हम केस किया है कि नहीं, हमारे आदेश से हुआ कि नहीं, हम रिकवरी किया है कि नहीं कागज पत्र, और सीबीआई का और बिहार गवर्नमेंट का जो प्राइम गवाह है वो लोग क्या बोला उसी को मान लो भाई, बात आप अगर चाहिएगा मान लो, क्या कोर्ट ने माना है? अब कोर्ट की बात और क्या बात, वो सब तो हमको नहीं, उन पृष्ठभूमियों की चर्चा हमें नहीं करना है, आपके टीवी में या कहीं नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, कौन लोग थे, और न्याय पालिका में व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, हमको इंसाफ मिलेगा, और जिस कारण से हमको ये तबाही की बात आई, इस सबको हमारी जनता बिल्कुल जवाब देगी। लालू प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।